एक बार बोला, दोबारा बोलते हैं उसको। ओम प्रज्ञानं सुप्रसादे स्थिरचरणिकर व्यापिभिर्व्यापलोकान् भुक्ता भोगानष्टविष्टान् पुनरपि शिशानोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वयं मधुरं मायया भोजयन्नो माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्मजरतन्नतोऽस्मि। ओम तत्सत् ब्रह्मणे नमः। अथर्ववेदीय मांडुकोपनिषद, मांडुकोपनिषद के चार प्रकरण है यहाँ पे। एक आगम प्रकरण, एक वैतथ्य प्रकरण, एक अद्वैत प्रकरण, एक आलाप शब्द प्रकरण। अभी हम लोग आगम प्रकरण पहले पूरा कर चुके हैं और वैतथ्य प्रकरण के ऊपर खड़े हैं। तो यहाँ पे जिस चीज को पहले स्तुति वाक्यों की तरह सिद्ध करके दिखाया, क्या जगत में पारमार्थिकता नहीं है, पारमार्थिकता नहीं है, प्रतीति मात्र है, जो स्मृति वाक्यों के आधार पर दिखाया उसको युक्ति के द्वारा भी सिद्ध किया जा सकता है, क्योंकि बुद्धि हमेशा कुछ अनुकूल युक्ति के द्वारा जिस चीज को समझने का कोशिश करते हैं, और यदि वो युक्ति के द्वारा उसको ग्रहण कर लेगा तब फिर जो वो उसमें सीधा खड़ा हो जाता है, वहाँ से हिलते नहीं। इसलिए यहाँ पे गौरपदाचार्य ने युक्ति के द्वारा दिखाना चाहता है कि जगत में मिथ्या ही है। तो पहले किसी भी प्रकार की वस्तु को समझाने के लिए, अलौकिक वस्तु को समझाने के लिए कि लौकिक दृष्टांत देना पड़ता है। सभी व्यक्ति को पता है स्वाप्निक वस्तु मिथ्या होता है, विमतम मिथ्या दृश्यत्वात् स्वप्नवत्, ये मुख्य अनुमान है यहाँ पे। विमतम मिथ्या विवदस्पति, जगत पारमार्थिक सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि दिखाई देने के कारण जो हम लोग के मन में इसका विपरीत भावना ही बैठा हुआ है, जो हम अपने आँख से देखते हैं वो सत्य है, और शास्त्रों क्या कहता है, जो दिखाई देता है वही मिथ्या है, प्रमाण के बिना जो जाना जाता है वही मिथ्या होता है, क्योंकि प्रमाण प्रमेय व्यवहार सब अध्यास करके ही होता है। स्वप्न मिथ्यात्व के लिए हेतु क्या दिए थे कि अनुचित काल, अनुचित देश, किसी के द्वारा सहमति नहीं, किसी और प्रमाण के द्वारा प्राप्त नहीं, अस्पष्ट बोध होता है, स्पष्ट नहीं होता है, ये सब जो है हेतु देकर के स्वाप्निक वस्तु मिथ्या हमको समझ में आता है। अब जो है श्रुति वाक्य के आधार पर जैसा कहा गया है कि एक मतलब एक पूर्ण व्यापक असंग तत्व विद्यमान है, उसमें कभी भी किसी प्रकार का परिणाम होना संभव ही नहीं है, तो उसी को हम लोग नाम रूपात्मक सारा जगत में दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पे नाम रूप होना संभव ना है, कोई परिणाम होना संभव नहीं है, वही सब नाम रूप और काल के सापेक्ष में दिखाई देते हैं। तो अनुचित देश, अनुचित काल तो यहाँ सिद्ध हो जाता है, और शास्त्र सम्मति अथवा महापुरुषों की सम्मति भी नहीं है, परंतु इस विषय में विशेष करके वेदांतिक सिद्धांत वाले ही इसको, मैं कहते हैं श्लोक भी बताएंगे, वही निर्णय करते हैं कि जगत में पारमार्थिक सत्य तो नहीं है। ये दिखाने के बाद तभी कल्पना कौन किया, जब आपने जागृत स्वप्न सभी वस्तु को आपने जो है मिथ्या बोल दिया, यानी कि तब तो स्वप्न दृष्ट भी मिथ्या हो जाएगा, नहीं, क्योंकि ये सब को जानने वाला जो तत्व है वो मिथ्या नहीं है। मिथ्या अथवा शून्यता को जानने वाला जो तत्व है उस वो तत्व तो मिथ्या नहीं हो सकता, वही एकमात्र पारमार्थिक सत्य वस्तु, नहीं तो उसका प्रामाणिक ही नहीं हो पाएगा यदि कोई जानने वाला नहीं हो तो। कल्पयति आत्मना आत्मानं आत्मदेव स माया स एव बुद्धते वेदं स्वैतेषं विकल्पितो, वही वेद को जानते हुए विकल्पना भी करते हैं वो। इस प्रकार से आत्मदेव अपने ही माया से अपने आप जो हो कि वो फंसा हुआ रहता, इसलिए वहाँ पे बोले थे कि जो वेदांत शुभ विचक्षण हमारे यहाँ पे यहाँ तक कितना तक हो गया था, 30 तक हो गया था, ठीक है। वहाँ पे एक जो है बहुत सुंदर श्लोक में बताया था कि निश्चितायाम
हाँ निश्चित आयाम यथा रज्जम विकल्प विनिवर्तते रज्जु एव इति चद्वैतम तद्वदात्म विनिश्चय। जिस प्रकार अधिष्ठान रूपी रज्जु का निश्चय हो जाने पर जितना भी विकल्प ना हमने उसको पर दिए थे सर्प जलधारा भूचित्र माला दंड सारा विकल्प निकल जाता है। ठीक इसी प्रकार के भी आत्म संबंधित निश्चय हो जाता है। फिर आत्मा के ऊपर कल्पना की अगर जितना भी ब्रह्म लोक से लेकर चतुर्थ भुवन में जितना वो सारा कल्पना निकल जाता है। इसलिए आत्मनिश्चय करो। ये प्राणाधि के आत्मा ने कैसे कैसे कल्पना किया है प्राण से लेकर के अपने सारा उपयोगी वस्तु का अपने आप कल्पना करते हैं। कल्पना करने के बाद क्या होता है माया इशतस्य देवस्य यया सम्मोहितम स्वयं। अपने माया से अपने आप कल्पना किया और अपनी कल्पना में अपने आप ही मोहित हो गया। ये सबसे बड़ी बंधन की हेतु होता है अपने आप ही मोहित हो गया। इसके बाद से लेकर 20वां श्लोक से लेकर 28वां श्लोक तक भगवान भाष्य मांडू को कारिका करने अलग अलग वादियों के अलग अलग जगत के मूल कारण के रूप में दिखाया गया है। भगवान भाष्यकर इतना ही बोलते हैं वेदांतिक सिद्धांत के अनुसार क्योंकि इसमें पारमार्थिक सत्य नहीं है इसलिए इस विषय में अधिक विचार करने में से कोई लाभ नहीं है। सृष्टिकर्ता को जानने से अनंत लाभ है। इसीलिए इस विषय में अधिक फलगु प्रयोजन न व्याख्या इसका प्रयोजन अधिक नहीं होने के कारण इसका व्याख्या नहीं करते हम। ऐसा करके फिर अंतिम में 30वां श्लोक तक हम पढ़ लिए थे ना कि एष पृथक भावे पृथक एव इति लक्षित एवं जो वेद तत्न कल्पयेत सो अभिशंकित पृथक भावे ये जो अलग अलग भाव वस्तुओं के द्वारा अथवा भाव वस्तु के साथ ये आत्मा ही अलग अलग रूप में लक्षित हो रहा है। अलग अलग नाम रूप में अलग अलग उपाधि में एक आत्मा ही अलग अलग रूप में लक्षित हो रहा है। ये जिसने जान लिया वो कुछ भी कल्पना कर ले उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जानता है कल्पना प्लीज एक आत्मा की प्रतिष्ठा उससे भिन्न कुछ नहीं है। पृथक भावी पृथक एव पृथक इव इति लक्षित है ना पृथक एव करके बोलते हैं इति लक्षित वो अलग अलग करके ही दिखाई देता है पर तो है तो एक ही तत्व। इसको जो तत्व रूप से जान लिया एवं जो वेद तत्ना कि बस एक मेरा ही ऊपर सारा अकल्पित मतलब जिसको जिसको ऊपर कल्पना करना संभव नहीं है उसी के ऊपर ही वही सारा नाम रूप में दिखाई पड़ रहा है। इस प्रकार से जिसने जान लिया अरे कुछ भी मन ही मन सोचते रहे उसके लिए वो बंधन का हेतु नहीं होता उसके लिए बंधन का हेतु नहीं होता। इस विषय में अंतिम में जो इसका टीका भी पढ़ लिए थे हम लोगों ने है ना कि यहाँ पे जो मनु की वचन है नहीं अनाध्यात्म भी कश्चित क्रिया फलम उपासनते मानव वचनम है ना। जब तक आत्म तत्व संबंधित ज्ञान नहीं होता आप समझना क्रिया की कुछ भी फल हो अलग अलग क्रिया के ऊपर मैंने शारीरिक क्रिया हो मानसिक क्रिया हो वो अलग अलग क्रिया की अलग अलग फल की वर्णन करते हैं परंतु वो क्रिया की फल कहना श्रुति की यथार्थ अभिप्राय नहीं है। कर्म के द्वारा अंतकरण शुद्ध होकर के आत्मज्ञान हो ये श्रुति की अभिप्राय है। इसीलिए उस व्यक्ति ने मनु क्या बोलते हैं नहीं अनाध्यात्म भी जिसने अपने स्वरूप को नहीं जान पाया उसने अभी तक क्रिया की फल को पूरा से प्राप्त नहीं कर पाया। देखिए क्या बोला कि शास्त्रीय कर्म का कर्म कांड की अथवा अपने वर्ण और आश्रम भीत कर्म की पूर्ण फल किसमें है आत्मज्ञान में है। जिसने इस आत्म तत्व का ज्ञान अभी तक प्राप्त नहीं किया उसने अभी तक अपने कर्म का फल प्राप्त ही नहीं कर पाया। क्या अद्भुत श्लोक बोले उन्होंने कर्म का फल हम लोग क्या सोचते हैं छोटा मोटा जो कर्म फल कहा गया इसी में तात्पर्य ऐसा नहीं। मनुस्मृति ने भी इसको तात्पर्य निर्णय करके देखा वो तो केवल मात्र पामर जीव को बुभुक्षुता में लगाने के लिए श्रुति ऐसा कहती है। पामर जीव को शास्त्रीय मार्ग में लगाने के लिए श्रुति एक एक कर्म का फल के साथ कहता है कि इसको करो तो ये फल प्राप्त होगा। परंतु वास्तविक क्या है कि इस प्रकार के फल प्राप्ति में कर्म की उपयोगिता नहीं है। कर्म की उपयोगिता तो आत्मज्ञान में ही है कर्म को आत्मज्ञान है। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे ठीक है ना। ये कर्म फल होने पर मतलब आत्मज्ञान होने पर फिर क्या होता है कि ये इसके बारे में अभी कथन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे श्लोक नंबर 31 जहाँ से आज हमारा पाठ शुरू हुआ ठीक है। संक्षेप में मैं पीछे जो कहा गया है उसको बताया कि इतना अभिप्राय है यहाँ पे तो एक बार अपने आप भी देख लेना कि कैसे किस किस मंत्र का मैं पहले बोला था कि मिथ्या किसको बोलते हैं। मिथ्या सत और असत तीन शब्दों का प्रयोग आपको दिखाई देता है। ये तीनों की अच्छी तरह से आप जो है समझ लेना कि जो तीनों काल में बाधित नहीं होता उसको हम सत बोलते हैं और जिसकी प्रतीति होती है परंतु जिस रूप में प्रतीति होते है उस रूप में प्राप्त नहीं होता वो मिथ्या बोलते हैं
और जिसकी प्रतीति नहीं होती उसके असत बोलते हैं, ठीक है ना। इसलिए बंधा पुत्र और शस्य विषाण ये असत है, जगत मिथ्या है और अधिष्ठान रूपी आत्मा व ब्रह्म को पारमार्थिक सत्य वस्तु है। मिथ्या कौन सा है? मिथ्या मतलब कि सत असत विलक्षणत्म मिथ्यात्म, जिसको सत रूप में भी निर्वचन नहीं किया जा सकता, असत रूप में भी निर्वचन नहीं किया जा सकता है। सत होता तो बाधित नहीं होता, असत होती तो ये प्रतीति नहीं होती, परंतु बाधित भी हो रहा है और प्रतीति भी होती है, इसलिए इसको इस प्रकार की वस्तु का मिथ्या बोलते हैं। मिथ्या की दूसरा परिभाषा भी मैं पहले कई बार बताया, ज्ञान निवर्तकत्म मिथ्यात्म, जो वस्तु ज्ञान के द्वारा मिट जाते हैं उसको हम मिथ्या बोलते हैं। सभी व्यक्ति को पता है ये भी सामान्य के क्या कि रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहे सर्प, उस सर्प को मारने के लिए हमें कोई अस्त्र औजार आदि नहीं अपनाना पड़ता है, केवल मात्र अधिष्ठान रूपी रज्जु के ज्ञान से सर्प अपने आप ही लय प्राप्त हो जाते हैं। और तीसरा प्रतिपन्न उपाधो त्रैकालिक निषेध प्रतियोगितम मिथ्यात्म, जहाँ पे जो वस्तु दिखाई दे रहा है उसी स्थान में उसका तीन काल में उसका नहीं था, ये निश्चय ही मिथ्या जिस वस्तु में होता है, मतलब इतना भी जिस समय मुझे दिखाई दे रहा था उस समय भी वो वस्तु वहाँ पे नहीं थी, जिस समय मुझे दिखाई दे रहा था उस समय भी वो वस्तु वहाँ पे नहीं थी, ये जिसके लिए निश्चय होता है उस वस्तु को मिथ्या कहा जाता है। इसलिए देखिए ये जागृत स्वप्न शिष्य सुषुप्त तीनों दिखा करके जिस आत्मा में दिखाई पड़ता है वहाँ पे क्या निषेध करते हैं, अंत प्रज्ञ भयप्रज्ञ भयद प्रज्ञ प्राज्ञ प्रज्ञा, इस प्रकार सारा निषेध उस अधिष्ठान में कर दिया, उसी के आधार पर यहाँ पे ये वैतथ्य प्रकरण को मांडव को कार्यकर्ण ने बनाया। तो यहाँ पे देखिए आज जो पाठ शुरू होगा उसको लेकर के आनंद गिरि जी उपोद्घात दे रहे हैं, या फिर युक्ति भी अस्मिन प्रकरण द्वैतस्य मिथ्यात्म कथ्यते, ठीक है ना, जिन युक्तियों के द्वारा इस प्रकरण में द्वैत प्रपंच में मिथ्यात्व रूपी धर्म बैठा हुआ है ऐसे कहा जाता है, या भीर युक्ति भीर मतलब इन युक्तियों के द्वारा, युक्तियों को सहारा लेकर के अस्मिन प्रकरण है मतलब इस द्वैतत्व प्रकरण में द्वैतस्य मिथ्यात्म द्वैत प्रपंच में मिथ्यात्व रूपी धर्म बैठा हुआ ऐसा कहा जाता है, कथ्यते ऐसा कहा जाता है, प्रमाण अनुग्रहकत्वात् अनाभाषत्वम अवश्य, ये जो युक्ति है वो प्रमाण के द्वारा अनुग्रहित होने के कारण तासाम युक्ति नाम प्रमाण अनुग्रहकत्वात्, तो प्रमाण के द्वारा अनुग्रहित होने के कारण अनाभाषत्वम अवश्य, वो युक्ति आभास नहीं है, जैसे हेतु आभास चिदाभास नहीं होते हुए भी प्रतीति होना, चिदाभास हेतु आभास हेतु जैसे प्रतीत होने प्रकार युक्ति आभास वो युक्ति नहीं है, युक्ति की आभास है वो, ऐसा कोई कहे तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, यथार्थ युक्ति है। इसलिए या भीर युक्ति भीर अस्मिन प्रकरणे द्वैतस्य मिथ्यात्म कथ्यते तासाम प्रमाण अनुग्रहकत्ता, तो प्रमाण के द्वारा अनुग्रहित होने के कारण अनाभाषत्वम उसमें वो युक्ति आभास नहीं है ऐसा अवश्य मतलब निश्चय कर लेना चाहिए, यानी ऐसा निश्चय होना चाहिए। इति आहो इसी को मन में रखते हुए अगला श्लोक आ रहा है, ठीक है, अब श्लोक में आएंगे। स्वप्न माये यथा दृष्टे स्वप्न माये यथा दृष्टे गंधर्व नगरम यथा गंधर्व नगरम यथा तथा विश्वमिदं दृष्टम तथा विश्वमिदं दृष्टम वेदान्तेषु विचक्षणैः वेदान्तेषु विचक्षणैः स्वप्नमाये यथा दृष्टे दृष्टे गन्धर्वनगरं यथा तथा विश्वमिदं दृष्टम वेदान्तेषु विचक्षणैः स्वप्नमाये यथा दृष्टे गन्धर्वनगरं यथा तथा विश्वमिदं दृष्टं वेदान्तेषु विचक्षणैः। स्वप्न माया, ठीक है ना, स्वप्नस्य मायाश्च स्वप्न माये, ठीक है ना, माया शब्द स्त्रीलिंग है ना, स्वप्न पुलिंग है, परंतु जब हम दंत समास करेंगे स्वप्नस्य मायास्य तो रमा शब्द की द्वितीय मतलब द्विवचन में क्या होता है, रमा रमे, जिस प्रकार रमा स्वप्न माये स्वप्नस्य मायास्य स्वप्न माये,
जो शब्द बाद में होता है उसी को लिंग को पूरा लिखना पड़ता है। स्वप्नश्च मायाश्च स्वप्न माये यथा दृष्टे, जैसा देखा जाता है स्वप्नों में, अथवा मायिक वस्तु, मायिक वस्तु भ्रांति से जो वस्तु दिखाई देता है, अथवा गंधर्व नगर। गंधर्व नगर क्या होता है कि आकाश की तरफ आप देख रहे हैं, कुछ बादल आया, अचानक आपको लगा कि आप मेघदूत पड़ेंगे तो आपको पता लगेगा कालिदास की। जैसा कि नगर में कोई मकान दुकान सजा हुआ है, सभी दुकान फैला हुआ है, बाजार खड़ रहा है, अचानक क्या हुआ दिखाई दे रहा था, एक हवा आया, सारा बादल मेघ को ले गया, आपका गंधर्व नगर टूट गया। ऐसा हमारे मनोकल्पित राज्य होता है, अचानक दुष्ट चिंता था तो जो है उसको तोड़ देता है, तो गंधर्व नगर, इसको गंधर्व नगर बोलते हैं। असली गंधर्व एक योनि भी होते हैं, उसके अपने को अंतर्धान करने के विशेष क्षमता, पुष्प दंत गंधर्व थे, वो मनुष्य से थोड़ा ऊपर की कोटि की होती है, उसको अपने को अंतर्धान करने के विशेष सामर्थ्य होता है। पूर्व जन्म में ऐसा कर्म किए होंगे, वो लोग नाचना गाना ये सब रुचते रहते अधिकतर, वही उसका हाँ गंधर्व लोग। तो इसीलिए कि स्वप्न माए यथा दृष्टे गंधर्व नगरम यथा, ठीक देखिए तीन दृष्टांत दिया, स्वप्निक वस्तु, मायिक वस्तु और गंधर्व। मायिक वस्तु मतलब कल्पित, जादूगर जो दिखाते हैं, इंद्रजाल के तरह जो दिखाते हैं, अथवा गंधर्व नगर मतलब अपनी कल्पना से जो भी आप कुछ देख रहे हैं, जैसा दिखाई पड़ता है ऐसे ही तथा विश्वम इदम दृष्ट, इस विश्व को भी इसी प्रकार से देखा गया है। किन लोगों के द्वारा? विचक्षण ही, क्योंकि गुरुकुल में जा करके वेद जब पढ़ते हैं तो एक व्यक्ति कर्मकांड से लेकर के उपासना भाग से लेकर के वेदांत तक पढ़ते, उपनिषद भाग तक पढ़ते हैं, परंतु सभी व्यक्ति के उपनिषद भाग की जो तात्पर्य वो सभी को समझ में नहीं आता, सभी वहां तक जाके विश्लेषण नहीं करते, क्योंकि अधिकतर लोग क्या होता है धर्म अर्थ काम के पीछे ही पड़े रहते हैं। अधिकतर व्यक्ति का जो है मैं भोग को वस्तु को भोग करूं यही भावना रहता है। कोई व्यक्ति धर्म का अवलंबन लेकर के करते हैं, कोई अधर्म का अवलंबन लेकर भी करते हैं। तो अधर्म अवलंबन लेके करने वाले व्यक्तियों को धर्म मार्ग में लगाने के लिए श्रुति क्या कहती है कि देखो इस प्रकार शास्त्रीय कर्म करो तो तुम्हें क्या हो जाएगा, तुम्हें भोग को वस्तु भी मिल जाएगा, पाप भी नहीं होगा। वो लोग उसी तक, क्योंकि इसके पहले भगवान भाष्यकार बोल करके जाओ जब भावे दृश्यते जसमें, जिसको जिस प्रकार के भाव दिखाया गया है ये बहुत बड़ी मतलब सूक्ष्म वस्तु है। अपने पूर्वकृत कर्म अनुसार हमें भी वो मतलब ठीक ठीक मार्ग दिखाने वाला व्यक्ति मिल जाता है। यदि हमारा कर्म भटका हुआ होगा हमारे भाषण पर तो हम वहाँ तक पहुँचने का मौका ही नहीं मिलता। देखो भगवान भाष्यकार कि देखो यहाँ पे एक हमारे कालिका काल 29 यम भावम दर्शयेत यस्य तम भावम सतु पश्यति तम चावती सद्भुत्ता असौ तत्क्रह समुपैति तम। जिसको जिस भाव को दिखाया गया है उसको वो भाव अच्छा लगा, थोड़ा उसको पकड़ लेते हैं और वो सोचते हैं यही मुझको रक्षा करेगा, यही मुझको रक्षा करेगा। अब यदि पूर्ववर्ती तो कर्म हमारा अच्छा रहा, यदि हमारे जन्मांतरी कर्म फल अच्छा रहा तो क्या हो जाएगा, जैसे जैसे देखते जाएंगे अपना विचार दृष्टि खुलती जाएगी तब क्या हो जाएगा कि हमने ये ठीक नहीं है, इससे आगे भी और कुछ है, इससे आगे भी और कुछ है, और नहीं तो उसी को पकड़ के बैठने। जम भावम दर्शयेत यस्य तम भावम सतु पश्यति, वो उसी भाव को पकड़ के बैठ जाता है। आप बोलेंगे हमारा वेदांत ही भाव जो सबसे सही है, कैसे बोल रहे हैं आप देखो इसका भी खंडन कहीं पे हुआ कि नहीं है, इससे आगे और कुछ कहा कि नहीं कहा। यदि इस भाव कभी भी कर्मकांड को वेद को प्रमाण मानते हैं, वेद में कर्मकांड को कथन करने के बाद कर्मकांड से बाद में उपासना कांड होगा, फिर उपासना भाग को भी खंडित करके वेद श्रुति माता स्वयं जो है उपनिषद भगवत उपनिषद भाग के आगे और कुछ नहीं कह दिए। पुरुष अपना परम किंचित सकाष्ठा स पराग, ऐसा श्रुति वाक्य है। इस पुरुष तत्व को जानना ही मनुष्य जीवन के लक्ष्य और उद्देश्य, उसी से हमारे जन्म मृत्यु के बंधन छूटते हैं। परंतु जब तक हमारा कर्म के विपाक नहीं हटता तब तक हम जो है उसी भाव में घूमते रहते हैं। जम भावम दर्शे जस तम भावम सुतपश्य, तो उतने ही तक देखते हैं, उसी सोचते ही ठीक है। तम च अवेति सभुत असुवर, वो भाव उसको जो भावना है जो वस्तु को आपने पकड़ा, उस वस्तु को आपने जिस दृष्टि से देखा वो भावनात्मक दृष्टि आपको रक्षा करते हैं, हम उसका स्वीकार नहीं करते हैं।
वही देवी देवता उसको, यद्यपि पीछे ईश्वर बैठा हुआ है परंतु उसको वहां तक दृष्टि नहीं जाती है ना, इसलिए बोलते हैं तत् ग्रह समर्पित उसके द्वारा अभिष्ट हो जाते हैं। इसीलिए आप देखिए विचक्षण ही शब्द प्रयोग करते हैं कौन, गौर पदाचार्य, ये विशेष चक्षिण धातु है, चक्षिण धातु है मतलब बोलना देखना ठीक से, विशेष रूप से देखना, विचक्षण लुप्त प्रत्यय होकर के मतलब विशेष रूप में देखने की सामर्थ्य जिन लोगों का आ गया है वेद के तात्पर्य को समझने का, उन लोगों के द्वारा कहा गया। कहाँ कहाँ गया, वेदांत देश अन्य अन्य जगह पे तो श्रुति को सत्य ही बताया, तथा विश्वम इदम दृष्टम, ठीक उसी प्रकार से विश्व भी किस प्रकार है, गंधर्व नगर माया, मायिक वस्तु सापनिक वस्तु जैसे ये विश्व है, ऐसा विश्व को इस रूप में देखा गया है, गंधर्व नगर मायिक वस्तु स्वप्न जैसा, किन लोगों के द्वारा, विचक्षण व्यक्ति को द्वारा, कहाँ, वेदांत में, वेदांत भाग में वेदांतों की पठन पठन करने वाला वो लोग ऐसा निश्चय करते। चलिए देखो अपने आप नहीं बोल रहे हैं कि सभी व्यक्ति इसको समझ पाएगा, अपने आप ही बोल रहे हैं कि अधिकारित्व तो आने पर तब ये तत्व समझ में आता है कि जगत में पारमार्थिक सत्य तत्व नहीं है। वेदांतेषु विचक्षण ही, वेदांत वेद की अंत भाग में जब तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, यद्यपि गुरुकुल में जाते समय हम वेद की पूर्व वेद को पढ़ते हैं हम, परंतु रुचि नाम वैचित्रात ऋजु कुटिल नाना पथन सम, अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग रुचि है, किसी को कर्म अच्छा लगता है, किसी को उपासना अच्छा लगता है, किसी को ज्ञान भी अच्छा लगता है। वेदांत में विचक्षण लोग हैं तो ऋषियों के यज्ञ बल को भृगु हुए, उद्दलकारुणी हुए, सनत कुमार हुए, सब ऋषियों के द्वारा ये इसकृत सब तत्व ऐसा निश्चय हुआ है ना कि जो है ये पारमार्थिक सत्य वस्तु नहीं है, पारमार्थिक सत्य वस्तु नहीं है। ठीक है, सामान्य श्लोक का अर्थ हो गया। अब देखिए भाष्यकार क्या लिखते हैं, श्लोकस्य तात्पर्य अर्थम, इस श्लोक में अभिप्रेत अर्थ क्या है उसको भगवान वाचकर पहले बोलते हैं। ठीक है, मैं लिखा ना श्लोकस्य तात्पर्य अर्थम, श्लोक में जो अभिप्रेत अर्थ है उसको भगवान भाष्यकर कहते हैं। जत एतत् द्वैतस्य असत्यम उक्तम युक्तितः, ये जो कहा गया जत एतत् प्रसिद्ध, जो ये वो जिसको अभी प्रतिपादन कर दिया गया, किसके सारे प्रतिपादन किया, मतलब युक्ति के द्वारा प्रतिपादन किया, क्या प्रतिपादन किया, द्वैतस्य असत्यम, द्वैत प्रपंच में पारमार्थिक सत्यत्व नहीं है, है ना। जत एतद् द्वैतस्य असत्यम उक्तम युक्तितः, युक्ति के सहारे कहा गया है ना, युक्ति के द्वारा यह दिखाया गया, क्योंकि पहले श्रुति प्रमाण के द्वारा दिखाया, अब युक्ति प्रपंच भी सिद्ध कर दिया, युक्तितः तद एतद् वेदांत प्रमाण अवगतम इति अह, ये जो युक्ति हम दे रहे हैं अपनी मनमर्जी युक्ति नहीं दे रहे, श्रुति अनुकूल तर्क अनुसंधीयताम, श्रुति अनुकूल तर्क के सहारे ये निश्चय होता है। इसलिए बोलते हैं कि वेदांत प्रमाण अवगतम, वेदांत प्रमाण से ये समझ में आता है, क्या समझ में आता है, जगत में पारमार्थिक सत्य नहीं है, वेदांत प्रमाण से युक्ति से भी ये सिद्ध होता है। जब एतद् द्वैत सशब्द मुक्तम युक्तितः तद एतद् वेदांत प्रमाण अवगतम इति, वो जो है वेदांत प्रमाण से समझ में आते हैं, इसी को यहाँ पे कहते हैं कौन, ग्रंथकार, वो भाष्यकार बोल रहे हैं गौरपदाचार्य के लिए, आनंद गिरी जी बोलते हैं भाष्यकार के लिए, इसलिए आप भी बोलते हैं गौरपदाचार्य ये कहना चाहते हैं। अब देखिए श्लोक के अर्थ करते हैं, टीका में देखिए असत्य सत्यवत प्रतिभान कथम इति आशंक श्लोक अक्षराणी वैचष्टे, जो वस्तु पारमार्थिक है नहीं अथवा जो उसको सत्य रूप में प्रतीति हो रहा है, जो वस्तु है नहीं, जिस जब तक हम रज्जु के ऊपर सर्प को देखते हैं और अधिष्ठान तत्व के ज्ञान नहीं होता तब तक कभी भी मन में नहीं आता कि ये मिथ्या हो सकता है, जब तक हम स्वप्न देखते हैं स्वप्न काल में रहते हैं तब तक हमारे मन में कभी नहीं आता क्या कि ये मिथ्या है। इसी प्रकार जब तक हम गंधर्व के मनोराज्य में बैठ करके मनोकल्पना कर रहे हैं, जब तक कोई एक हमको टोकता नहीं है तब तक हम मनोराज्य में घूमते रहे तो सच मान करके ऐसे ही भावना करते हैं। इसलिए अभी बोलते हैं कि असत्य सत्यवत प्रतिभानम, मतलब अपारमार्थिक वस्तु में पारमार्थिक जैसा प्रतीति, अपारमार्थिक वस्तु में पारमार्थिक जैसा प्रतीति खत्म, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे होता है। बात क्या है कि भ्रांति काल में इसको बोलते हैं संसर्ग अध्यास, मतलब अधिष्ठान तत्व के जो गुण अथवा मतलब अधिष्ठान तत्व में जो धर्म है, अधिष्ठान तत्व हो गया धर्मी, उसमें रहने वाला जो धर्म
वो क्या होता है, आरोपित वस्तु में वो आरोप हो जाता है। जिस प्रकार जिस वस्तु का हमने आरोप किया, उस आरोपित वस्तु का धर्म और धर्मी दोनों अधिष्ठान में आरोपित है। धर्म और धर्मी है ना, रज्जु हो गया धर्मी, उसमें रहता है कुछ धर्म। सर्प हो गया एक धर्मी, उसमें रहता है कुछ धर्म। रज्जु रूपी अधिष्ठान में सर्प रूपी धर्मी और सर्प का धर्म दोनों का संसर्गत स्वरूपत दोनों हुआ। परंतु अधिष्ठान की जो अध्यास होता है आरोपित वस्तु में, वो स्वरूप अध्यास नहीं होता, संसर्ग अध्यास होता है, नहीं तो वो भी मिथ्या हो जाएगा। यदि अधिष्ठान को भी हम बोलते हैं सर्प के ऊपर आरोपित है, तब क्या हो जाएगा, अधिष्ठान भी मिथ्या हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वहां पे केवल मात्र संसर्ग अध्यास होता है। संसर्ग अध्यास मतलब रज्जु की जो धर्म है वो सर्प में आरोपित होता है। अब हमारे यहाँ पे अधिष्ठान कौन है, एक पारमार्थिक सत शुद्ध चेतन तत्व। अब इसी का धर्म जो भी कुछ दिखाई देगा वो सब वहीं पर आरोप होगा ही होगा, स्वाभाविक है ये। रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प कितना मोटा कितना लंबा कितना काला, ये किसके ऊपर निर्भर करेगा, रज्जु के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक इसी प्रकार से इस अधिष्ठान रूप जो सब तत्व है उसके ऊपर जिस वस्तु की कल्पना हो रही है, उस कल्पना में क्या धर्म आएगा, जो धर्म अधिष्ठान में बैठा हो, स्वाभाविक आएगा। इसलिए सारा जगत सत्य रूप में प्रतीत होता है, क्योंकि वो सतरूप है, वो सतरूप है और उसका भान होता है, प्रतीति भी होती है, ज्ञान होता है। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कृष्ण क्या, असत्य सत्यवाद प्रतिभानम कथम, असत्य वस्तु में सत्य की तरह प्रतीति कैसे हो सकता है, वो असत है, समझना चाहिए। क्योंकि आपने अधिष्ठान तत्व को ठीक से समझ नहीं पाया, इसीलिए वो सत्य ही ऐसा रहेगा। जब तक हम सोते रहेंगे तब तक माया निद्रा में सोते, तब तक सत्य ही रहेगा। इसलिए वह कथम इति आशंक, इस पर शंका करने पर श्लोक अक्षराणि व्याचस्ते, श्लोक में आए हुए अक्षर तो पद को व्याख्यान करते हैं भगवान आचार्य। अब देखिए स्वप्नस्य माया च स्वप्न माये, है ना, इतरित दंड समस्व स्वप्नस्य माया च स्वप्न माये, असत वस्तु आत्मिके, है ना, वहां पे जितना वस्तु दिखाई दे रहा है वो कोई वहां पे है ही नहीं, वो असत आत्मक वस्तु है, वस्तु कुछ है ही नहीं वहां पर, असत्य वो सत्य वस्तु नहीं है। सत वस्तु आत्मिक इव, परंतु सत्य वस्तु स्वरूप है, जैसा इस प्रकार से लक्षित होते हैं, इव लक्ष्यते स्वप्न माये असत वस्तु आत्मिके असत्य लक्ष्यते, वो असत जैसा लक्षित होता है, परंतु सभी के द्वारा नहीं, अविवेकी भी है ना, अविवेकी व्यक्तियों के द्वारा वो इस प्रकार सत्य जैसा लक्षित होता है, प्रतीति होती है, परंतु विवेकी व्यक्तियों के द्वारा वो सत्य जैसा प्रतीति नहीं होती। ठीक है ना, इसलिए बोलते हैं स्वप्नस्य माया च स्वप्न माये असत वस्तु आत्मिके असत्यम सत वस्तु आत्मिके इव, असत्य होते हुए भी वो सत्य रूप है, इस प्रकार से वो लक्षित होते हैं। दिवचर लक्ष्यते, वो लक्षित है किसके द्वारा, अविवेकी भी। अच्छा यहाँ पे ये स्वप्नस्य मायस्य स्वप्न माये, ये द्विवचन तो है, प्रथम विभक्ति है कि द्वितीय विभक्ति है, बोलिए प्रथमा होना चाहिए, क्यों लक्षित है, लक्ष्यते पैसिव प्रयोग हुआ, हाँ देखा जाता है, कर्ता को देखो तृतीय में प्रयोग कर दिया, कर्ता को तृतीय में प्रयोग कर दिया, आइए आइए कोई बात नहीं। तो ये ठीक है ना, हमको किसी भी वस्तु को समझने के लिए उस समय जो है हमको पद पदच्छेद को भी थोड़ा सा समझना चाहिए। तो यहाँ पे जो है कि पैसिव प्रयोग किया, ये पैसिव प्रयोग होने के कारण यहाँ पे जो है स्वप्न माया प्रथमा द्विवचन है, ठीक है ना, और अविवेकी कर्ता तृतीया में होता है, पैसिव में क्या होगा, कर्ता तृतीया में, कर्म प्रथमा में, और क्रियापद क्या होगा, कर्म के अनुसार, मतलब जैसे कर्म का प्रथमा विभक्ति उसमें जितना शंखुल होगा वो स्वप्न माया। जैसे देखिए अविवेकी भी कर्ता बहुवचन में है और कर्म द्विवचन में है, इसलिए क्रियापद द्विवचन हुआ, ठीक है, पैसिव प्रयोग में ऐसा। तो भंडारकर में वहां पे आते बहुत सूत्रों के द्वारा प्रतिपादन किया, मतलब भंडारकर केवल आपको स्टेटमेंट से समझा दिया, सूत्र याद रखना अच्छा है, नहीं रहने पर भी विषय वस्तु क्या है ये तो हमको समझ में आ जाना चाहिए, तब तक पद 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 अच्छेद कर अर्थ लगा पाएंगे, है ना, तब तक अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। अविवेकी भी अविवेकी व्यक्तियों के द्वारा कि असत होते हुए भी सत जैसा ये वस्तु प्रतीति होती है,
कौन सा अविवेकी एक तृतीय बहुवचन है ये तृतीय अविवेकी व्यक्तियों के द्वारा कर्ता तृतीय में होता है पैसिव। अच्छा जथा च पहले भाष्य पढ़ लेगा जथा च प्रसारित पहले हो गया स्वप्न माया थर्ड क्या था गंधर्व नगर ठीक है ना उस गंधर्व नगर को लेकर के देखिए बोलते हैं जथा च प्रसारित पान्य आपन गृह प्रासाद स्त्री पुंजन पद व्यवहार आकीर्णम इव गंधर्व नगरम दृश्यमानम एव सत अकस्मात अभावतम गतम दृष्टम। जिस प्रकार जो है गंधर्व नगर क्या होता है जथाच और जैसे क्या बोलते हैं गंधर्व नगर को समझाने के लिए यहाँ पे भगवान बच करते प्रसारित मतलब विस्तार से फैलाया गया है प्रसारित पन्न मतलब जो बेचने वाले द्रव्य पन्न द्रव्य ने बेचने वाले द्रव्य आप कहाँ पे दुकानों में कहीं बेचने वाला सामग्री लेकर के कोई खड़ा हुआ है फिर वहाँ पे मकान भी दिखाई दे रहा रास्ता भी दिखाई दे रहा स्त्री भी दिखाई दे रहा है पुरुष भी दिखाई दे रहा भीड़ भी है लोग आवागमन कर रहे हैं सब दिखाई दे रहा है जिसे प्रसारित बाजार हाँ जैसा दिखा प्रसारित पन्न आपन गृह प्रसाद केवल इतना ही नहीं स्त्री पुंजन स्त्री पुरुष और जनपद फिर वहाँ पे कोई एक जनपद है वहाँ पे दिखाई दे रहा है व्यवहार आकीर्ण एव व्यवहार से भरा हुआ है आकीर्ण एव जैसा गंधर्व नगर दिखाई पड़ता है मतलब हमारा कल्पित नगर हमको दिखाई पड़ता है दृश्यमानम एव सर अभी दिखाई दे रहा है अभी दृश्यमानम एव सर दिखाई देते देते ही अकस्मात अभाव अकस्मात क्या होता है वो अभाव प्राप्त हो जाता है दृष्टम जैसा दिखाई दिया है ऐसा ही ये जगत दिखेगा आपको। ये भगवान भास्कर विवेक चूड़ामणि में क्वगत केन वानीत कुत्र लीनम इदम जगत क्वगत केन वानीत कुत्र लीनम इदम जगत अधुनैव माया दृष्टम नास्ति किम महदद्भुतम। विवेक भगवान भास्कर तो ऐसे ही अपना अनुभव व्यक्त करते हैं क्वगत कहाँ चला गया क्वगत केन वनितम किसने हटाया इसको कुत्र लीनमिदं जगत यह जगत कहाँ विलय हो गया। विवेक चूड़ामणि का श्लोक है मैंने श्लोक नंबर याद नहीं है पीछे की तरफ आएगा मात्र अनुभूति के बाद तो क्वगत केन वनितम कुत्र लीनमिदं जगत अधुनैव माया दृष्टम मतलब जब तक हमारा अज्ञान पूर्ण रूप से नहीं हटा निद्रा पूरा जागृत नहीं मेरे को दिखाई तो दे रहा था नास्तीदम किम अद्भुतम अभी तो नहीं दिखाई दे रहा अब अधिष्ठान दिखाई दे रहा है बोलता है कि वधु नहीं माया अधिष्ठम नास्त की महद अद्भुतम एक अद्भुत आश्चर्य वस्तु नहीं है मतलब देखिए कि सामने प्रतीति होने पर भी जिस प्रकार सुवर्णकार को ऑर्नामेंट दिखाई देने पर भी उसका दिमाग में क्या घूमता है इसमें कितना सोना है सुवर्णकार क्या दिखाई पड़ता है दिखाई दे रहा ऑर्नामेंट दिमाग में क्या है इसमें कितना सोना है तदनुकूल मूल्यांकन हास्यकार तो बिल्कुल जगत नहीं दिखाई ऐसा बात नहीं है दिमाग होने पर माइंड में क्या था इट्स नथिंग बट ब्रह्म माइसेल्फ तो ऐसा उनके मन में दिल को तभी जाके ऐसा श्लोक लिख सकते हैं तभी जाके ऐसे क्वगतम केन वानीत कहाँ चला गया किसने हटाया इसको उत्तरीनमिदम जगत ये जगत कहाँ पे लय प्राप्त कर गया यानी कि जगत पहले क्या था कि नाम रूप के द्वारा ईश्वर छत्र ढका हुआ था नाम रूप के द्वारा सच्चिदानंद ढका हुआ अब क्या हो रहा है सच्चिदानंद के द्वारा नाम रूप ढक गया ईशावस्यमिदं सर्वं ये करना है हमको ये करना ईशावस्यमिदं जत किंचित जगत जो भी कुछ दिखाई पड़ता है पहले क्या है नाम रूप और अर्थ क्रियाकारिता के द्वारा सच्चिदानंद ढक जाता है परंतु जैसे 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 वेदांत विचार करते करते क्या होता है कि सच्चिदानंद के द्वारा नाम रूप ढक जाता है नाम लोग ढक जाते हैं यही जो है भगवान भास्कर उस श्लोक में कहना चाहते हैं इसी को यहाँ भी यही कहना चाहते हैं इसलिए भगवान भास्कर बोलते हैं कि प्रसारित पन्न अपना गृह प्रसाद स्त्री पुंजन पद व्यवहार आकीर्णम इव गंधर्व नगरम दृश्यमानम एव सद अकस्मात अभावतम गतम दृष्टम। तो इस प्रकार से तीन दृष्टांत यथाच स्वप्न माये दृष्टे असत रूपे तथा विश्वम इदम द्वैतम तृतीय पाद कि तथा विश्वम इदम दृष्टम इसी प्रकार से स्वप्न माया गंधर्व नगर की तरह ये विश्व को दिखाई देता है किन लोगों के लिए
विचक्षण ही आरोप किस दृष्टि से वेदांत दृष्टि से आप देखते हैं, ज्ञान चक्षु की तरह देखते हैं, तब जाकर के उस वस्तु के ऐसा देखे व्यक्ति को दिखाई पड़े बोलते हैं। तृतीय बात बोलते हैं यथा स्वप्न माए दृष्टे, जिस प्रकार स्वप्न और माया ये द्विवचन में यहाँ पे जो दिखाई पड़ता है असत रूप असत रूप होता है, तथा विश्वविदम ठीक इसे द्वैत प्रपंच जो भी दिखाई पड़ते हैं समस्तम असत दृष्ट में सारा वस्तु असत रूप है, ये पारमार्थिक नहीं है ऐसा दिखा जाता है। कहाँ देखा जाता है और किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा आपको, केवल वेदांत में है ना। देखो वेदांत अंत शब्द का क्या तीन अर्थ होता है, अंत मतलब एंड बीच और अंत मतलब सार जिस्ट क्रीम, तीनों वेदांतों के तीनों अर्थ घटते हैं। वेद की अंत भाग में है, वेद की अंतोपाति है, क्योंकि वेद की अंतोपाति नहीं होता तो प्रामाणिक नहीं होता, और वेद के मूल तात्पर्य इसी में है, इसीलिए इसको वेदांत शब्द बोलते हैं। वेदांत नाम उपनिषद प्रमाण उपनिषद भाग में जिसको कहा गया को इति कहाँ पे वेदांतेषु, तो वेदांत में कैसे दिखाई पड़ता है देखो बोलते हैं नेहु नानास्ति किंचन, छंद को श्रुति है ना, यहाँ पे जो नाना दिखाई पड़ता है ना ये नाना तो बिंदु मात्र भी नाना तो नहीं है यार, नेहु नानास्ति किंचन। ये जो कठोपनिषद है 2.1.11 फिर इंद्र माया भी पूर्व रूप में आते नेह नानास्ति किंचन, यहाँ पे कहता है आपकी मन के द्वारा ही, मतलब मन क्या किया था पहले ये सारा अलग 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 करके देखता था, मतलब शास्त्र क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं ये जो नानत्व तो दिखाई दे रहा है ये पारमार्थिक नहीं है। तो क्या है, तो ये जो आपको नाम रूप दिखाई पड़ रहा है नाम रूप को सत्ता स्फूर्ति किसने प्रदान किया, इस नाम रूप को सत्ता स्फूर्ति किसने प्रदान किया उस पारमार्थिक शब्द वस्तु, ये पारमार्थिक शब्द वस्तु नेह नानास्ति किंचन। तो यहाँ पे बोलते हैं ये जो भेद दिखाई पड़ रहा है ये भेद उपाधि में है, पारमार्थिक भेद नहीं है, सभी के अंदर एक ही तत्व बैठा हुआ है। क्या है, अहम हरि सर्वविदम जनार्दन वासुदेव इदम सर्वम, इस प्रकार से श्रुति प्रतिपादन करते हैं, उपनिषद भी ऐसे प्रतिपादन, भगवद गीता भी ऐसे बोलते हैं वासुदेवम इदम सर्वम स्व महात्मा सुदुर्लभ वासुदेव से, इस प्रकार जानने वाला व्यक्ति ये विचक्षण है, मतलब इस प्रकार महात्मा भगवान की बड़ी विचित्र है। देखो अष्टमाध्याय में बोलते हैं तस्सहम सुलभम प्राप्त नित्य युक्त योगिनो, मैं तो भगवान सुलभ है परंतु वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, क्या भगवान की प्रतिपादन शैली देखी आप, भगवद गीता में इस प्रकार की महात्मा तो दुर्लभ है, भगवत प्राप्ति सुलभ है परंतु इस प्रकार की महात्मा प्राप्ति दुर्लभ है, भगवान अपने बोल रहे वहां बोला कि नहीं भगवद गीता में वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ये विचक्षण है ना। अपने आप ही देखिए अष्टम अध्याय में जाके आपने कहते कि तस्य हम सुलभम पार्थ नित्य युक्त योगिना, है ना, जो मेरे को नित्य भजन करता है उसके लिए तो मैं सुलभ हो जाता हूँ, परंतु इस प्रकार की महात्मा मिलना जिसके माध्यम से क्या होता है कि जिसके माध्यम से भगवान मिलना है वो मिलना कठिन होता है, अगर वो मिल जाता है फिर भगवत प्राप्ति सुलभ हो जाता है। समझ में आया हमको क्या बोलना चाहता है भगवान, हमें दोनों श्लोक के अगर समन्वय करेंगे तो क्या दिखता है कि इस प्रकार यथार्थ मार्ग दिखाने वाला समझने वाला व्यक्ति मिलना कठिन है, परंतु वो अगर मिल जाता है तो भगवत प्राप्ति फिर देर नहीं जाता, फिर भगवत प्राप्ति हो ही जाता है। इसीलिए यहाँ पे देखते हैं नेह नास्ति किंचन, इस प्रकार यहाँ पे जो है नानत्व भिन्नत्व तो है ही नहीं, ये जो ये जिसने समझ जाता है वो वेदांत में समझा जाता है। और विचक्षण व्यक्ति मतलब विशेष रूप में इच्छन करने के सामर्थ्य है जिन व्यक्तियों में, वो दिखाई तो दे रहा है नाम रूप परंतु उस नाम रूप के अंदर ही सच्चिदानंद स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ता है। इंद्र माया भी पूर्व रूप भी तो अलग अलग दिखाई क्यों पड़ता है। इंद्र यहाँ पे ये बृहदारण्य उपनिषद 2.19 यहाँ पे जो है आपका वो क्या है मधु ब्राह्मण
दो पांच उन्नीस मधु ब्राह्मण इंद्र माया भी पूर्वरूपम ईयते। इंद्र अपनी माया शक्ति से, माया शक्ति जो बोले ना स्वप्न माया, अपनी माया शक्ति से पूर्वरूपम अनेक रूपम ईयते मतलब प्राप्त हो जाता। भगवान अपने आप कुछ नहीं आके लगा, अपने आप तो सर्वथा अद्वितीय है, भेद रहित है, सजातीय विजातीय सगत भेद से रहित है, परंतु माया शक्ति से अपने को अनेक रूप में अभिव्यक्त कर देते है ना। इंद्र शब्द का अर्थ यहाँ पे इंद्र मतलब नहीं लेना है, एक प्रसंग वहाँ पे चल रहा है, ब्रह्मते प्रवाणी भी प्रतिज्ञा वहाँ पे आया था, द्वितीय अध्याय शुरू में प्रतिज्ञा किए थे, इदम सर्वम इदम अमृतम इदम वहाँ पे तीन बोला ना मैत्री वन में इदम सर्वम इदम इदम ब्रह्म, यही चीज है, क्योंकि ब्रह्मते प्रवाणी करके जो प्रतिज्ञा किए थे तो ये वही है। और फिर जो क्या है यही सर्व मतलब कि तो क्या बोला था वहाँ पे तत्वान तत् सर्वम अभवत, वो उसको जाना इसलिए सर्व हो गया। इदम अमृत वो अमृतत्व तो कौन है जो मैत्री ने चाहा था, भाषाकर इदम सर्वम इदम ब्रह्म इदम अमृतम इस प्रकार वहाँ पे मंत्र आता है लास्ट में उपसंहार में मधु ब्राह्मण में। तो भगवान भाष्यकर अर्थ करते हैं इदम सर्वम मीन्स वो जो सृष्टि आदि सर्व रूप ने बोला था किम तद ब्रह्म अभेद स्वात्मानम एव अभेद तस्मात तद सर्व हम, तो अपने को जाना था इसलिए सर्व रूप को प्राप्त कर लिया, एक वो ये सर्व है। फिर वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म कौन है, वो जो ब्रह्म थे प्रमाणी थी प्रतिज्ञा किया था वो है ब्रह्म। थर्ड क्या बोलते अमृत, अभी अमृत कौन है जो मैत्री ने पूछा था मैत्रांग किम हम अमृतम से हम जैनम नाम किम हम तेन कोरियाम जैन नाम अमृत श्याम अमृतत्व में भूमि, मतलब उससे मैं क्या करूँ जिससे मैं अमृतत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। ये जो तीन देखिए पूरा के पूरा द्वितीय अध्याय की सार मधु ब्राह्मण में का ही भगवान भाष्यकार दिखाया कि देखो कैसा शब्द प्रयोग किया हमने श्रुति, और वहीं पे ये कहते इसलिए इंद्र शब्द का अर्थ यहाँ पे क्या देंगे और निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म, वो अपनी माया शक्ति से अनेक नाम रूप को प्राप्त करते हैं परंतु माइक है। फिर क्या है आत्मैव इदम् अक्र आसीत् है ना, ये तो हमारा ऐतरीय में आत्मैविदम अग्र आसीत नानत किंचित मिशत ऐतर उपनिषद वेदांडक में भी है ब्रह्मैविदम अग्र आसीत, ये तो एक चार दस वेदांडक उपनिषद है, ऐतरीय का पहला ही मंत्र है आत्मैविदम अग्र आसीत करके, और तो वेदांडक में भी है एक चार सत्रह में आत्मैविदम अग्र आसीत एक चार सत्रह और ब्रह्मैविदम अग्र आसीत एक चार दस द्वितीया भी भयम भवति, जब तक द्वैत बुद्धि होगा तब तक डर रहेगा, जब तक भेद बुद्धि है तब तक डर मिटे। मजे की बात है तो मजे से एक व्यक्ति सिनेमा देखने गया था, सिनेमा की पिक्चर एक ही तैयार होता है ना, ठीक है ना, हमने जो है टिकट खरीद के तीन घंटा के लिए अंदर गया तो जो मैं देखूंगा हमारे बाद में जो टिकट खरीद के आएगा वो ही देखेगा। इसी प्रकार से ये सृष्टि ज्ञान होने के बाद अब जब तक आपने कई बार हमने ऐसा किया पैसा टिकट खरीद करके पैसा दे करके पिक्चर देखने गया आके बोलते हैं बेकार है पैसा का, फिर नया कोई पिक्चर है फिर जाके घुस जाते, होता कि नहीं होता है, ऐसा ही यहाँ भी हो रहा है। वो अपने पुण्य कर्म से वो मातृ योनि में घुसते हैं वहाँ पे, और पिक्चर देखने जब हम जाते हैं हमको अच्छा लगे चाहे ना लगे हमको ही देखना पड़ेगा जो पिक्चर दिखाएगा, वो मातृजन में घुसने के बाद जो पिक्चर देखने के लिए घुसा हमने जो वहाँ पे भगवान निर्धार वही देखना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे, समझ आ रहे आपको कि आप यहाँ पे एक मजे की बात पिक्चर देखने बैठा द्वितिया भय भयम भवति, वो पिक्चर में दिखा रहे एक बाघ ढूंढ कर आ रहा है खाने के लिए, वो व्यक्ति बैठा हुआ था नीचे छुप रहा है कुर्सी के नीचे छुप गया है, क्या बात तुम क्यों छुप रहा है ये तो सिनेमा है, वो बोलते हैं हमें तो पता है सिनेमा है परंतु शेर को पता नहीं है सिनेमा है कि हमारे ऊपर कूद गया तो ऐसा ही आपको हमारे द्वैत बुद्धि है कहाँ तात्पर्य किसमें है, हम तो सोच रहे हैं कि जगत सत्य मतलब मिथ्या है पर दूसरों को पता नहीं है, अरे भाई तुमको यदि मिथ्या है तो शेर कैसे दिखेगा, तुमका अभी तक निश्चय नहीं हुआ तभी डर रहा है, मजे की बात वो सुन रहा है क्या कि यदि हमको तो पता है कि सिनेमा है शेर को तो पता नहीं है कहीं मेरे ऊपर कूद गया तो उससे कोई बचेगा ना, वार करने वाले मतलब क्या होता है मिथ्यात्व तो निश्चित दीदी आप कोई भयम भवती, मजे की बात है ये तो द्वैत बुद्धि जब तक रहेगा जब तक वह दृष्टि है ना तब तक हमारा पूर्णत्व तो नहीं आया, जब तक मैं दृष्टि आ जाएगा बस तब कोई परेशानी नहीं है, तब कोई डर नहीं कुछ भेद नहीं है। द्वितीयाद्वय भयम भवती ये एक चार दो बृहदारण्यक उपनिषद
न तु तद् द्वितीयम् अस्ति, है ना, उससे भिन्न करके संसार में कोई वस्तु नहीं है, उससे भिन्न करके संसार में कोई द्वितीय न तु तद् द्वितीयम् अस्ति, उससे मतलब उस परमात्मा से भिन्न अथवा उस शुद्ध चेतन तत्व से भिन्न संसार में कुछ भी वस्तु नहीं है, द्वैत तो है ही नहीं यहाँ पे। क्यों? तब द्वैत तो दिखाई क्यों पड़ता है? जब हम भेद दृष्टि में बैठे पर तब द्वैत तो दिखाई पड़ता है। जत्र अस्य सर्वम आत्मैव भूत तत्केन कम पश्येत केन कम विजानीय, ये न तो तद द्वितीयम् अस्ति 4:23 वेदारण्यक। और जत्र तु अस्य सर्वम आत्मैव भूत, ये भी 4:15 शरीर ब्राह्मण है ना, यहाँ पे आया हुआ है। इत्यादि देखिए वेदांत में ये है भगवान भाष्यकार, हम ढूंढ के नहीं निकाल पाते भगवान भाष्यकार कहाँ कहाँ किस कृति में कैसे उतना हिस्सा उठा करके वेदांतेषु विचक्षण ही, वेदांत वाक्य में निश्चय करके दिखा, स्पष्ट करके दिखाया क्या यहाँ पे संसार में सत्य तत्व नहीं है। निहो नास्ति किंचन इंद्र माया भी पुरूपमीयते आत्मैव इदम् अग्रे आसीत् वासुदेव इदम् सर्वं ब्रह्मैव इदम् अग्रे आसीत्। एंड अधिक सारा ज्ञान के वाक्यों को दे रहे हैं, इधर उधर की प्रकरण के वाक्य को नहीं दे रहे हैं। सर्वम खलु इदम् ब्रह्म बोल सकते थे, नहीं दे रहे, जानते हैं कि ऊपर चरण प्रकरण है, वहाँ जो ज्ञान की प्रकरण के वाक्य उसे उठा करके दे रहे हैं। द्वितीयाद वही भय, इसके ऊपर टिप्पणी दिखाई पड़ रहा है ना, द्वितीयाद वही भयम भवती है, द्वितीयाद वही भयम भवती इति द्वितीयम निंद्यम तस्य अतात्विकत्वम अभिप्रेति इति अभिप्रेय। जो द्वैत बुद्धि है ना वो निंदनीय है क्योंकि उससे तात्विकता पारमार्थिकता नहीं है, इसलिए बोलते हैं द्वितीया द्वितीयाद वै भयम भवति इति द्वितीयम निंद्यम, द्वितीय जो निंदनीय है तस्य अतात्विकत्वम, क्योंकि वहाँ पे तात्विकता तात्विकत्व तो पारमार्थिकत्व नहीं है, अभिप्रेति अभिप्राय है श्रुति की इति अभिप्राय, ये यहाँ पे दिखाना चाहते हैं भगवान भाष्यकार। जिनकी जो तात्विक है वो निंदा के योग्य नहीं है, जो अतात्विक है वो निंदनीय है। मृत्यु स मृत्यु मापनोति जह नाना इव पश्यति, मृत्यु स मृत्यु मापनोति जह नाना इव पश्यति, श्रुति अपने आप ही वो लगा करके बोलते हैं जब तक हमारी भेद बुद्धि है तब तक मैं एक के बाद एक मृत्यु प्राप्त करते जाऊंगा। मृत्यु इस प्रकार के भेद दृष्टि का निंदा श्रुति स्वयं अपने आप करती, इसलिए बोलते हैं नहीं तात्विकम निंदम अर्हति, जो पारमार्थिक तत्व वस्तु है उसकी निंदा कभी नहीं होती। जो शास्त्र में कभी भी नहीं देखना आपने जो है कि ब्रह्म के बारे में ईश्वर के बारे में कभी निंदा हुआ है, निंदा हुआ तो सृष्टि के बारे में निंदा, भेद दृष्टि की निंदा करनी है। जगत हाँ ये नहीं तात्विक निंदा मरती, इसी बोलते हैं अभी द्वितीयाद कोई भयम भवती न तो तद द्वितीय वस्तु से भिन्न करके संसार में कोई वस्तु नहीं है। जत्र तु अस्य सर्वम आत्मैभाव, बस यही बोध जब हो जाए अहम हरि सर्वमिदम जनार्दन, ठीक है ना, अच्छा वासुदेव विदम सर्व, मैं भी उस परमात्मा की स्वरूप हूँ और जितना सारा संसार दिखाई दे रहा है सभी परमात्मा स्वरूप है, इस प्रकार बोध हो जाता है इत्यादि। इसलिए देखिए यहाँ पे भगवान भाष्यकार विचक्षण ही, इसका अर्थ क्या करते हैं, निपुणतर वस्तुदर्शी भी, ठीक है ना, वस्तु दिखाई दे रहा है परंतु निपुणतर उसके अंदर थोड़ा और अधिक मतलब सूक्ष्म वस्तु को देखने की शैली दृष्टि थोड़ा खुल गया, सूक्ष्म वस्तु की देखने की समझने की दृष्टि थोड़ा खुल गई, इसलिए बोलते हैं विचक्षण शब्द का अर्थ निपुणतर वस्तु दर्श्य भी। यहाँ पे जो है दर्शन प्रातिपदिक होते हैं, दर्श्य भी उस नल को प्रातिपदिक अंतर लोग देखने वाले के द्वारा मतलब ये शील स्वभाव है, उसका क्या स्वभाव है, कोई वस्तु आएगा ना हम इसको देखेंगे तो हम क्या करेंगे केवल पेन है पेन लेकर चले, परंतु विचक्षण व्यक्ति क्या करेंगे इसके अंदर अच्छा व्यक्ति इसके अंदर फिर कैसे है कहता कितना दिन चल गया सब विचार करके लेते हैं खरीदते हैं, उससे भी जो सूक्ष्म वस्तु होगा व्यक्ति होगा वो क्या करेगा इसके अंदर पारमार्थिकता क्या है, कोई भी वस्तु लिखेगा तो उसके अंदर इसको सत्ता से पूछते किसने प्रदान किया, वेदांत पढ़ने के बाद उसको दृष्टि खुल जाते, इसलिए बोलते हैं विचक्षण मतलब निपुण तर वर्षु दशवीर पंडित ही पंडा जस अस्थि स पंडित, पंडा मतलब आत्मविषयक बुद्धि, इसलिए वो पंडित बोलते हैं महाभारत की व्यास देव जी के एक श्लोक दे रहे हैं, महाभारत के श्लोक है ना, तम स्वभ्रनिभं दृष्टम तमः स्वभ्रनिभं दृष्टम वर्ष बुद्बोधसन्निभं वर्ष बुद्बोधसन्निभं नाशप्रायं सुखाधीनं
नाशोत्तरम अभावगम नाशोत्तरम अभावगम तमाशब्रानिभम दृष्टम वर्ष उद्बोधसन्निभम नाशप्रायं सुखाधीनं नाशोत्तरमभावगमं। तब जैसे कि अब आपने है वहाँ पे रज्जु, आपको हमें भू छिद्र भी दिखाई पड़ते हैं। ये शभ्र शब्द करते थे छिद्र होल शभ्र, तम अंधेरा से आपको वस्तु है परंतु वहां पे काला छेद जैसा दिखाई पड़ता है। निभ मतलब सदृश जैसा दृष्ट, वर्षा के बुलबुले जैसा गिरते हैं, वर्ष बुदबुद सन्नि वर्षा के जो बुलबुले होते हैं ना बबल्स, वो जैसा दिखते ही वो फूट जाते हैं, दिखते ऐसा है, मतलब इतना ही क्षणिक है जगत। क्योंकि ब्रह्मा जी के काल की तुलना में हमारा अभी कितना है, इतना ही है। जैसे एक मच्छर का आयु हमारे सापेक्ष में होता है, ब्रह्मा जी का आयु हमारे समाज के ऐसे ही। इसीलिए बोलते हैं तम शून्य शब्द निभम, ये अंधेरे में एक छेद जैसा है ना, जैसे है वहाँ पे तुम वो क्या रज्जु पर वहाँ पे भूचित्र जैसा दिखाई पड़ता है, अथवा छेद जैसा मतलब बुलबुल जैसा दिखाई पड़ता है। दृष्टम वर्ष बुलबुदन निभम सुखाधीनम, उसमें से इस क्षणिक वस्तु से अनित्यम असुखम लोकम, भगवद्गीता में नहीं बोलते भगवत अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, भगवान भगवत के नवम अध्याय में आता है कि इस अर्जुन ये सृष्टि जो है अनित्य है, ये किसी को सुख नहीं दे सकता। अब जिसने सृष्टि को बनाया स्वयं बोलता है सुख से ही नहीं, और हम उसी में सुख ढूंढते रहते हैं तभी हम दुखी हो जाते हैं। इसे होते हैं ये सुखाधीनम नाशप्रायम, नाशप्रायम मतलब ये हमेशा नाश को ही प्राप्त करना, उसका स्थिरत्व तो कुछ नहीं, कोई वस्तु स्थिर हो कुछ दिन के लिए रहे तब तो आपको सुख दे सकते हैं, परंतु अपने आप ही जिसका सत्ता स्थिर नहीं होता तो कहाँ तक आपको सुख होगा। इसीलिए होता है नाशप्रायम सुखाधीनम, और केवल इतना ही नहीं नाशोत्तरम अभाव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्या बोलते हैं हम लोग अनेक वादियों ने जगत को अनित्य तो माना, मिथ्या सभी वादियों ने नहीं माना। वैष्णव जी बोलते हैं ये मिथ्या है, अनित्य और मिथ्या वस्तु में भिन्नता ये है, अनित्य वस्तु का नाश होने के बाद कुछ अवशेष रह जाता है, जो अनित्य व्यवहारिक सर्प दिखाई पड़ते हैं उसको यदि आप मारेंगे तो उसका चूल्हा तो सर्प का मृतदेह भरा रहेगा, उसको जलाएंगे तो कुछ राग बचा रहेगा, परंतु रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प, जब आपको ज्ञान के द्वारा नाश होगा उस सर्प का क्या बचेगा आपके पास, कुछ भी नहीं बचा। ये मिथ्या और अनित्य वस्तु में भिन्नता है, मिथ्या और अनित्य वस्तु में फंड ये चीज यदि आपको समझ में आ जाएगा कि मिथ्या वस्तु में क्या होता है कि उसको नाश ज्ञान के द्वारा नाश प्राप्त होने का नाशोत्तरम अभावगम, नाश की बात क्या होता है वो बिल्कुल अभाव को प्राप्त करते, कुछ भी रेसिड्यू नहीं बचता, कुछ भी रेसिड्यू नहीं बचता। मिथ्या और अनित्य वस्तु सभी वादियों ने जगत को एक मत पूर्व मीमांसा दर्शन को छोड़ करके अन्य वादियों ने जगत को मिथ्या मानने के लिए थे, अनित्य मानने के लिए तो तैयार है परंतु मिथ्या नहीं मानते। वेदांत में निश्चय व्यासदेव जी ने लिखा महाभारत में, अब देखिए यहाँ पे कि ब्रह्मसूत्र नहीं है इसलिए, क्योंकि ब्रह्मसूत्र में जब भगवान भाष्यकार व्यासदेव जी उनके बाद आ रहे हैं ऋषि को लेकर के बोलते हैं उस नाम से मिल रहे हैं व्यासदेव जी को, मतलब इससे हमको लगता है कि महाभारत कहीं होगा कहीं पुस्तक में तो नहीं मिला है। महाभारत में देखेंगे यहाँ पे टीकाकार कुछ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, और यहीं पर रखेंगे तब फिर यहाँ से शुरू करेंगे लास्ट में। अजम अपियन योगम प्रापदश्वर्य योगा अगति जगति मत्तां प्रापदेकं हि अनेकं विविध विषय धर्म ग्राही मुग्धे क्षणानां प्रणत भय विहंत्री ब्रह्म जत्नन्नतोऽस्मि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।